डिप्टी कमिश्नर गांधरबल शयंबीर ने आज म्यूनसिपल काउंसिल गांधरबल के सदर हिलाल अहमद तांत्रे के साथ मरकजी शहर का एक वसी दौरा किया और मुख्तलिफ जारी तरक्याती मनसूबों कामों का मुआयना किया। दौरे के दौरान डीसी के साथ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्यूनसिपल काउंसिल गांधरबल नवीद एजाज, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आरएनबी तहसीलदार गांधरबल और आरएनबी और म्यूनसिपल काउंसिल के दीगर मुतलका अफसरान भी मौजूद थे। दौरे के दौरान डीसी ने एसएसपी ऑफिस के करीब बस अड्डा दुदरहामा में मैरिज हॉल, जामा मस्जिद दुदरहामा में मौसम बहार की फेस लिफ्टिंग, कोलाक टावर फतेहपुरा में चिल्ड्रन पार्क और ई वेस्ट सेंटर पर काम की पेशरफ्त का मुआयना किया। बस अड्डे के दौरे के दौरान डीसी ने मुख्तलिफ जारी कामों जैसे म्यूनसिपल काउंसिल ऑफिस कम्प्लेक्स, कैफेटेरिया, ओपन जिम और चिल्ड्रन पार्क के लिए जगह की तरक्की, मैग्नमाइजेशन की सूरत हाल और दीगर मुतलका कामों का मुआयना किया। ईओ म्यूनसिपल काउंसिल ने डीसी को 9.72 करोड़ रुपए की लागत से बस अड्डे के मुख्तलिफ जारी कामों की सूरत हाल के बारे में बताया और इस पर 5.70 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। आइए देखते हैं गांधरबल से एजाज तांत्रे की ये रिपोर्ट। तो ये आगे वाला स्पेस हमारा इसका क्या है? सारा ये सर इसमें वॉलीबॉल, बास्केट और कुछ इक्विपमेंट होगा। अच्छा सीपीओ साहब, ये सर फिलिंग ऑफ दिस लिफ्ट सर, ये कौन सेट वाले? जी सर रिसेंटली बने, ये 3 सेट आज से 15 दिन पहले 3। मैं जब यहाँ पे आया मैंने ये साहब को भी क्लियर करो इसको सर, ये ऐसे हमारा ये ठीक निकाल देते हैं सर, हमने लिखा सर हमें ये प्लीज कर देते हैं सर। नॉट ओनली क्लियर ये भी नहीं, यहाँ से करते हैं सर, यहाँ भी नहीं करने देते यहाँ से सर, यहाँ से सर, यहाँ से तो वो देखिए सर हमारा सर वहाँ तो फिलिंग होने। ये डॉक्यूमेंट्स पहले रेडी कर लेना, डिमार्केशन वगैरह ना यहाँ पर ऑलरेडी हो गई है। डिमार्केशन बुलाया था लोगों को, बुलाया था, बता दिया ना, बस बता दिया सबको, तो फिर बात मजा करिए करते करते इसमें पेंट करके वो आगे क्या बना हुआ है, ये स्टैंड पे है, स्टैंड होना है और एक वो होना है, एक सुपर स्टैंड और एक मिनी बस स्टैंड। मिनी बस स्टैंड तो आप यहाँ पे जो पर्चियाँ काटोगे, पर्ची भी काटोगे क्या? काउंटर अभी इसका कोई प्लान नहीं किया गया है सर, पर्ची वगैरह का नहीं है अभी, वो ऐसा क्योंकि पर्ची में ऑलरेडी काट रहा हूँ सर कॉल पोस्ट पे। देखें जी, वी आर हाईली थैंकफुल टू डिप्टी कमिश्नर गांधरबल, डीसी सर ने आज म्यूनसिपल काउंसिल गांधरबल के जितने भी काम थे उनके एक फुल इंस्पेक्शन किया, हर काम पे वो खुद गए, जहां में लैंड का इशू था वो उन्होंने क्लियर करवाया, तहसीलदार साहब, एग्जन साहब, सीपीओ साहब सब लोग साथ रहे। तो उसके बाद हमारे जितने भी काम अभी अंडर प्रोग्रेस जो हैं उन कामों को उन्होंने डायरेक्शन दी कि जल्द से जल्द कम्प्लीट होने चाहिए। गाड़ियाँ भी हमारे पास अवेलेबल है, मैन भी, मशीनरी भी अवेलेबल है, आउटसोर्स किए हुए लेबर्स भी अवेलेबल हैं, तो बस सफाई वगैरह का पूरा ख्याल रखें और जितने हमारे प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं वो एश्योरिटी दी गई वो कंप्लीट हो जाएंगे, जिसमें हमारा मैरिज हॉल है, जिसमें हमारा क्लॉक टावर है, जिसमें हमारा क्रिएशन ऑफ ग्रीन स्पेसेस है, बस अड्डा बिहामा है जिसमें बस टर्मिनल का बिल्डिंग है, जिसमें हमारे छोटे छोटे बस पोर्ट्स हैं, उसके अलावा जितने भी हमारे पार्क्स के 2-3 पार्क्स का हमारा मसला चल रहा था या अमृत सरोवर के तहत जितने काम हैं हमने वो स्टार्ट भी कर लिए, उसी में डायरेक्शन डीसी सर ने पास किया। म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन, हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर साहब, एग्जीएन साहब, सीपीओ साहब, हम सब लोगों ने मिलकर आज जितनी भी म्यूनसिपल कमेटी के काम चल रहे हैं उन सब का निरीक्षण किया और उन सब का दौरा किया है और इसमें जो भी हिदायतें हमको देनी थी वो हम लोगों ने दी हैं और कुछ काम के लिए कुछ अच्छे सराहनीय काम इन लोगों ने किए हैं म्यूनसिपल कमेटी के द्वारा और मैं उम्मीद करता हूँ जल्द ही ये सारे कामों का फल जो है हमारे गांधरबल की जनता को मिलेगा और गांधरबल के लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उन लोगों ने इस काम को सहयोग दिया है और आगे भी उन लोगों के सहयोग की अपेक्षा रहेगी। कोई भी व्यक्ति अतिक्रमण ना करे, अतिक्रमण करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी और उसके अलावा हमारे जो भी नगर को स्वच्छ सुंदर साफ़ बनाने के लिए आज हम लोगों ने यहाँ पे फ्लैग ऑफ भी किए, हमने 6-7 गाड़ियाँ जो हमारी आई हैं कचरा प्रबंधन के लिए वो वाली गाड़ियों का फ्लैग ऑफ भी किया गया है और इन सभी गाड़ियों के थ्रू मैं लोगों से भी यही अपील करना चाहूँगा, अपना कचरा जो है 100% डोर टू डोर कलेक्शन में हम जा रहे हैं तो आप लोग केवल कचरे की गाड़ी में ही कचरा डालिए, उसके अलावा बाहर कहीं पर कचरा ना फैलाएं।